नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 5 दिनों से हम लगातार आपको सदन की कार्रवाई और सदन में होने वाली चीज़ों को दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार बताने और कहने के लिए मानसून सत्र में बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि ये बातें पहले से तय थी कि हंगामा होगा और हंगामे की भेंट चढ़ेगा ये 5 दिवसीय सत्र। इस बीच में कई ऐसी घटनाएँ घटी जिसने कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रभावित कर दिया। हालांकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि किस तरह से विपक्ष जो है, मजबूत विपक्ष है, और मजबूत विपक्ष आप समझते हैं कि सत्ता के लिए हमेशा चाबी होता है जो ऐंठने के बाद सत्ता तिलमिलाती है। बिल्कुल उसी अंदाज में सब कुछ हुआ और नीतीश कुमार भी इस बार सत्र में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब नीतीश कुमार किसी बात को लेकर के रिएक्ट नहीं किया। नीतीश कुमार बिल्कुल ही शांत नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में टकराव जबरदस्त हो रहा है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। कल जो कुछ भी हुआ वो भी आपने देखा। विधानसभा मार्च के लिए जो तैयारियां की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें कई दुखद घटना घटे। इसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कहा गया कि हमने 2021 का बदला ले लिया। 2021 में क्या हुआ था आप सब कुछ जानते हैं। अब उन सारी बातों को लेकर के 5वें दिन भी कई प्रश्न थे और कई प्रश्नों के जवाब चाहिए थे। उन प्रश्नों के जवाब खोजने में सदन जो है अपनी तैयारी कर रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि कई प्रश्नों में से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, तारांकित प्रश्न थे और अल्पसूचित प्रश्न भी थे। इसके अलावा शून्यकाल में भी बहुत सारी बातें हुई जिसको लेकर के सदन चलाने की जिम्मेवारी दोनों की थी। लेकिन अंततः विपक्ष जो है यानी भारतीय जनता पार्टी वॉकआउट करती रही और सदन चलाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष पर रह गई। हालांकि कुछ निर्दलीय विधान परिषद के सदस्य थे, वो सदन में मौजूद रहे और समय समय पर सरकार को चाबी ऐंठते रहे। लेकिन खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो इस बार सत्र में चीज़ें रखनी थी और जिसको लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि बजटीय आकार को लेकर के भी चर्चा हो रही थी, इन सब बातों में जो 4थे दिन हुआ वो आपको हमने बताई दिया। 5वें दिन आज क्या हुआ हम इस बात की चर्चा करने आपके पास आए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि विधान परिषद के सभापति ने आज सत्र के अंतिम दिन अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित करते हुए अपनी बात रखी और पूरे सत्र के दौरान क्या हुआ उन सब बातों को भी रखा। हालाँकि आज भी जहां एक तरफ अल्पसूचित प्रश्न थे उनकी संख्या 11 थी, तो वहीं तारांकित प्रश्नों की संख्या 29 थी। इस पर चर्चा हुआ और कई विभाग थे जिसमें शिक्षा विभाग, कला संस्कृति विभाग था, इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग था और इसके साथ साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी बातें रखी। इसी दौरान ये सब कुछ हो ही रहा था, बजट के आकार की बात हो रही थी और इन सब में जब सब कुछ समाप्त हो गया उसके बाद से 2:30 में, उससे पहले थोड़ा सा सभापति महोदय का संबोधन शुरू हुआ। उसमें उन्होंने कई बातें बताई, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि बिहार विधान परिषद में 2204वें सत्र की जो समापन हुआ उस समापन में कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। इस सत्र के लिए कुल 353 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 325 प्रश्नों की को स्वीकृत किया गया था और 33 प्रश्न उत्तरित नहीं हुए। इन सारी बातों को लेकर के वर्तमान सत्र में जो स्थिति थी, सभी लंबित प्रश्नों का उत्तर आगामी सत्र में सदन के मेज पर रखने हेतु सरकार की अनुशंसा की गई। और इन सारी बातों को लेकर के अब इसके बाद जो सिलसिलेवार ढंग से चला, जिसमें ध्यानाकर्षण की कुल 59 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें 26 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन के कार्यक्रम पर लाए गए, जिसमें 7 सूचनाएं उत्तरित हुई, 2 सूचनाएं व्यापगत हुई और 17 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विचारार्थ सुपुर्द कर दिया गया है। इसके आगे सभापति महोदय ने कहा कि शून्यकाल की कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें 15 सूचनाएं स्वीकृत हुई थी, 7 सूचनाएं व्यापगत हुई। इस सत्र में कुल 68 निवेदन प्राप्त हुए, सभी निवेदनों को सदन की सहमति से निवेदन समिति को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसकी अगले सत्र में जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस सत्र में नेशनल ई विधान
यानी नेवा के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा ऑनलाइन 77 तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न एवं 26 अल्पसूचित प्रश्न दिए गए माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल 339 प्रश्नों को नेवा पर निबंधित किया गया। इसमें विभाग द्वारा ऑनलाइन कुल 219 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। ये वो कार्रवाई है जो भारतीय जनता पार्टी की अनुपस्थिति में भी हुए और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए भी हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सत्र में जो विधेयक पारित हुए उसमें से बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक यानी GST, उसके अलावा बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023 पास हुआ। इसके साथ साथ जब सभापति महोदय एक सूचना दे रहे थे जो कि इस देश की प्रतिष्ठा का एक बड़ा मामला था, जिसमें हरिकोटा स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा और उसका समय निर्धारित था 2:35, और सबसे बड़ी संयोग की बात ये थी कि जब वो इस बात की सूचना दे रहे थे तब 2:35 हो रहा था। इस बात को जैसे ही उन्होंने इसकी घोषणा की और इसके लिए बधाई दिया, वैसे ही विजय कुमार चौधरी उठे और उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही संयोग है। ये बात हम ऊपर बैठे पत्रकार दीर्घा में सोच ही रहे थे, हमने चर्चा शुरू ही की थी कि उसी दरमियान विजय कुमार चौधरी उठे और उन्होंने कहा कि ये बड़ा संयोग है कि जब ये बात बताई जा रही है सदन को, उस समय भी वही हो रहा है जब लॉन्च कर दिया, यानी 00 वहाँ लॉन्च हो रहा था और यहाँ उसकी घोषणा हुई, ये संयोग था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसको लेकर के बताया गया कि इसकी सॉफ्ट चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह चंद्रयान 3 सफलता हेतु पूरे सदन की ओर से इसरो को बधाई, वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अंतिम में सभापति महोदय ने माननीय सदस्यों अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन किया, उसके लिए जन सामान्य की समस्याओं के माध्यम से प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई, इन सब के लिए सबको धन्यवाद दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने जो कुछ भी सदन में हुआ, सदन में हुई महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद में सहभागिता के लिए सदन के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई दिया, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने धन्यवाद भी दिया, चाहे वो मीडिया हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, नेता विरोधी दल हो, उपसभापति हो, माननीय नेता विरोधी दल हो, मुख्य सचेतक हो, सत्तारूढ़ दल के विभिन्न माननीय नेतागण हो, मंत्री हो, सबको उन्होंने और यहाँ तक कि कर्मचारियों को भी उन्होंने इस सत्र को संचालित कराने के लिए धन्यवाद दिया। अब ये अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी बातें तो हो गई है, अब इसके बाद राजनीतिक माहौल क्या रहता है, क्योंकि सदन की कार्रवाई खत्म हो गई और नेताओं के पास करने के लिए राजनीति का वक्त आ गया है। सदन से आज यही हम आपसे विदा लेंगे, फिर जैसे ही आने वाले समय में विधानसभा विधान परिषद में कोई कार्रवाई होगी तो हम आपके सामने फिर से जुड़ेंगे सीधे सदन से, लेकिन तब तक के लिए हमें भी अनिश्चितकाल के लिए विदाई दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।